ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे देख सकते हैं पावर सिस्पी जो कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर में बनाई जा रही है। बहुत बड़ी अपडेट है यहां से भी और गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से भी। तो देखिए पहले लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर बन रही इस पावर सिस्पी पर क्या आखिर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रेल विद्युतीकरण तार से जुड़ी। और फिर चलते हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मास्क डालने का काम शुरू हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सामने देख सकते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर गोला रेलवे स्टेशन की दिशा में जहाँ पर कॉलिंग सिग्नल है वहाँ पर आप देख सकते हैं SSP में एक मुख्य रूप से मेन तार लगाया जाता है। मोटा तार होता है वो, जो हमारा OHE वायर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। वो तार लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। देखिए जो पॉइंट आप सामने नज़र आ रहा होगा आपको, इस पॉइंट में ये तार लगाया जाएगा और इस तार को लगाने के बाद इस तार को SSP से जोड़ा जाएगा। फिर वहाँ से जो सप्लाई होगी वो इस तार के ज़रिए OHE वायर जो हमारा पेंटोग्राफ में टच होता है उसमें आया करेगी। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वायर को लाया गया और ये देखिए यहाँ ये SSP के हम बिल्कुल निकट आ चुके हैं। और यहाँ पर आके ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पर जॉइंट कर दिया गया है। हालांकि अब यहाँ से जब आगे का काम शुरू होगा SSP में तो इसी वायर को यहाँ से जॉइंट किया जाएगा मेन SSP के साथ में। तो चलिए चलते हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन की दिशा में लखीमपुर रेलवे स्टेशन का आउटर पर पावर SSP की जो अपडेट है वो यही बड़ी अपडेट है। SSP से जोड़कर OHE वायर में सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी खबर थी। चलिए चलते हैं अब हम लोग गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन की दिशा में, देखते हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर आखिरकार रेल विद्युतीकरण की क्या साफ तौर पर खबर या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और आज के इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा या कह सकते हैं विस्तार में हम बातचीत और जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मास्ट आया और फिर उसको डाला गया, उसको इरेक्ट किया गया। तो आज ये वीडियो हमें गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से भेजी हमारे रेल रिपोर्टर रेल फैन ऋषि जी ने। तो ऋषि जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें वीडियोस भेज सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक WDM 3 लोकोमोटिव गोंडा लोको शेड के लोकोमोटिव के साथ में वैगन ट्रेन खड़ी हुई है जिसके अंदर आपको मास्ट नज़र आ रहा होगा। क्रॉस बार्स के लिए जो मास्ट होता है वो नज़र आ रहा होगा, ये सब रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब इसको यहाँ से उतारा जाएगा और फिर इसको क्रेन के ज़रिए लगाया जाएगा हर एक फाउंडेशन जो कि गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से देखते हैं किस तरह से क्रेन के ज़रिए मास्ट डाला गया। और दोस्तों मैं बता दूं आज की इस वीडियो में आपको गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन के आउटर यानी कि अलीगंज क्रॉसिंग के पास में जो मास्ट लगे हुए हैं वो इरेक्ट हो चुके हैं, विच मीन्स इरेक्शन उनका कर दिया गया है 90 डिग्री पर, उसको भी हम आज की इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर पहले इस मास्ट को डाला गया और फिर आउटर पर इरेक्शन की भी क्या कुछ खबर है। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं WDM 3 लोकोमोटिव के साथ में स्पेशल वैगन ट्रेन जिसके ऊपर क्रेन है और क्रेन के जरिए मास्ट को उतारा जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और साथ ही साथ हमारे तमाम KPTL के कर्मचारी जो कि कार्यदायी संस्था के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और फाउंडेशंस जो बनाई गई हैं उनके अंदर फिर इसको डाला जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मास्ट को उतारा जा रहा है, देख सकते हैं क्रेन के ज़रिए, ये आप देख सकते हैं सामने मास्ट को उतारा गया और यही क्रेन के ज़रिए ही यहाँ पर मास्ट को जो फाउंडेशंस होती हैं उनमें भी डाला जाता है और फिर उसको 90 डिग्री पर इरेक्ट किया जाता है। तो ये वीडियो हमें भेजी हमारे रेल रिपोर्टर रेल फैन गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से अंकुर दीक्षित जी ने। तो अंकुर दीक्षित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आगे किस तरह से साफ तौर पर नज़ारे नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आगे की दिशा में जो हमारी वैगन ट्रेन वो बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आपको क्रॉस बार्स नज़र आ रहे होंगे, जो क्रॉस बार्स के लिए मास्ट होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी मास्ट को डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्रेन के जरिए, देख सकते हैं कितना लंबा एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डायरेक्टली क्रेन के जरिए इन मास्ट को उठाया जा रहा है। ये देखिए वहाँ पर मास्ट को उतारा गया और फिर यहाँ से मास्ट को उठाया जा रहा है, फिर उधर लाया जा रहा है। किस तरह से पूरा जो काम है वो हमारे कार्यदायी संस्था के KPTL के तमाम कर्मचारी जुटकर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने साफ तौर पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारे। और वास्तव में वर्तमान समय में अब गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन की जो सूरत है वो बदलती नज़र आ रही है। आगामी कुछ दिनों में जब यहाँ पर क्लिप्स लग जाएंगी, वायरिंग का भी काम शुरू हो जाएगा तो नज़ारे कुछ और ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
सो दोस्तों हम आप पहुंचे हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन के आउटर में अलीगंज क्रॉसिंग के पास, जो कि स्टेशन से सबसे नज़दीक क्रॉसिंग पड़ती है लखीमपुर रेलवे स्टेशन की दिशा में। यहां पर देखिए फाउंडेशंस में मास्ट डाला गया और अब यहां पर इरेक्शन का भी काम हो चुका है। ये देख सकते हैं मास्ट को इरेक्ट कर दिया गया है 90 डिग्री पर और साथ ही साथ इसमें क्लिप्स लगाने का काम भी चल रहा है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो जल्द ही यहाँ पर जो ब्रैकेट्स होल्डर्स ये सब जो तमाम प्रक्रिया भविष्य में भी होने वाली है वो सभी आपको नज़र आएगी। वो सारे टूल्स आपको गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर नज़र आने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मास्ट जो लगा हुआ है उसमें क्लिपिंग का काम चल रहा है। साथ ही साथ देखिए डिपार्चर व्यू मालगाड़ी का गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से। और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।